तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, मैं हूं सिया चदील ममदाना। इमरान खान की ऑडियो के बाद अब इमरान खान की वीडियो भी मंजरे आम पर आ चुकी है। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होंगी जो कि हुकूमत ने इमरान खान के कैद खाने की अदालत में जमा कराई थी। उसमें एक फोटो गैलरी की थी जो कि इमरान खान को वॉक करने के लिए दी गई थी। अब वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान खान उस गैलरी में वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी से बातें भी करते नजर आ रहे हैं। अब जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई तो उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाने लगे कि ये वीडियो वायरल कैसे आई, क्या ये वीडियो सच में इमरान खान की है या इस वीडियो को एडिट किया गया है, कौन है जो इमरान खान को जेल में सहूलतकारी कर रहे हैं। मैं इस व्लॉग में आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बैल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को जरा गौर से देखें कि किस तरह इमरान खान का जो एक रवायती अंदाज है, जो कि इमरान खान के एक स्टाइल है जो सबसे मुख्तलिफ है, किस तरह वो वॉक कर रहे हैं और किसी वक्त रुक कर किसी शख्स से बात भी करते हैं। हाथ में उन्होंने वही तस्बीह पकड़ रखी है और पैंट शर्ट उन्होंने पहन रखी है और वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये वीडियो मंजरे आम पाए तो लोगों ने सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ इसको शेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन अब कुछ लोग जो हैं वो इस वीडियो को एडिट वीडियो कह रहे हैं कि इसको ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट से बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है वो कमाल की है। अब चाहे ये वीडियो एडिट की गई हो चाहे ये वीडियो ओरिजिनल हो, उन्होंने इस वीडियो को इतना वायरल कर दिया, तमाम लोगों ने देख लिया। अब अगर ये वीडियो फेक है या ओरिजिनल है इस एक साइड पर रखें। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान की जेल से वीडियो लीक होती है तो पीटीआई वालों ने इसी तरह शेयर करनी थी, इन्हीं लोगों तक जानी थी, इन्हीं लोगों ने देखनी थी और उन्होंने इमरान खान की वो वीडियो की मार्केटिंग करनी थी, उसको सोशल मीडिया पर फैला देना था। वो तो अब वो वैसे भी कर चुके हैं, चाहे वो फेक है या ओरिजिनल है, जो उन्होंने अपना काम करना था वो तो कर चुके हैं। अब चाहे इस वीडियो को फेक बोला जाए या इस वीडियो को जो है वो ओरिजिनल बोला जाए, उन लोगों ने अपना काम कर दिया। वीडियो को पहली नजर से देखने से ऐसे लगता है जैसा कि वीडियो एडिट की गई हो, लेकिन फिर वही बात, इमरान खान की जो सोशल मीडिया टीम थी उन्होंने जो करना था वो तो उन्होंने कर लिया। अब चाहे आप इसको फेक बोलें या ओरिजिनल बोलें, और जिस तरह पीटीआई वालों ने इमरान खान की ऑडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया, जिस तरह इमरान खान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने जवाब मर्दी और दलेरी के साथ दलाइल दे रहे थे, जिस तरह पीटीआई वालों ने उस ऑडियो को जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया, इसी तरह आप पीटीआई सोशल मीडिया ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप चाहे आप इसे फेक बोले, आप चाहे इसे ओरिजिनल बोले।